लंदन से लगभग 80 किलोमीटर दूर कैम्ब्रिज शायर नामक एक शहर है, वहीं पे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है। वो जो चर्चा है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक बहुत ही ऊंचा स्तर है, एक कैम्ब्रिज शेयर घाटी में भी है, और इसके स्तर पे हम आपसे बात करेंगे। और ये कैम्ब्रिज करता क्या है, आप इसके डायरेक्टर है, अपने परिचय के साथ सारी चीजों पर प्रकाश डालें। कम्युनिकेशन इज एन इंस्टीट्यूट स्पेशली दैट प्रोवाइड्स स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज टू यंगस्टर्स, कॉलेजेस, स्कूल स्टूडेंट, वर्किंग वुमन एंड स्पेशली हाउसवाइफ आल्सो। सो दैट्स ये प्रोवाइड करते हैं इंग्लिश। व्हेन इट कम्स टू स्मॉल टाउन सिटीज, वहां पे खास करके अंग्रेजी बड़ा मुश्किल होता है। अंग्रेजी मतलब कोई बोला नहीं कि भीड़ छटने लगती है। वहां से बच्चे उसी माहौल से आते हैं, उसी तरह के घर से आते हैं, उसी परिवार से आते हैं। उनमें से बच्चों को अंग्रेजी की तरफ रुझान पैदा करना और उनकी अंग्रेजी को फर्राटेदार बनाना कितना मुश्किल है। इट्स रियली चैलेंजिंग। एक्चुअली क्या होता है कि अगर कोई स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड या इंग्लिश मीडियम स्कूल का है तो उन्हें इंग्लिश के ट्रैक पे लाना थोड़ा आसान होता है, जबकि बच्चे जो हिंदी मीडियम से हैं और खासकर के ग्रामीण परिवेश से, वो जब पहली बार आते हैं स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूशंस में स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए, तो उनकी कंडीशन स्पेशली रिगार्डिंग वोकैबुलरीज एंड ग्रामर सेक्शन जो भी होता है वो बहुत ही ज्यादा पोर होता है, उनके साथ कसन करनी पड़ती है, मेहनत करना होता है। बगैर एक एक झलक दिखाया जाए, कोई ऐसा बच्चा है उस परिवेश से जो अंग्रेजी बोल पाता है या कम आनंद कम, क्योंकि कई बार बातें कह दी जाती है, हकीकत में वो बात हो पाता है कि नहीं। Well, what's your name? My name is Anand Kumar. Well, so why did you come here? I come here to learn English. Speak a bit loudly. I come here to learn English. What's the reason to learn English? Is there any proper reason? Just it's your hobby to speak a bit English. Actually, it's not any reason. It's nowadays it's a passion for all people. Youngsters, yes. Especially. All right. So in which class you're studying? Right now I'm studying in 11th standard. All right. So when it comes to English spoken, how do you see this Cambridge institution? When it comes to English spoken, then I feel really, really, and it's a very good institution for me. It's really good institution for you. अब बताओ तुम्हारे घर में पापा अंग्रेजी बोलते हैं? No. मम्मी? No. और कोई? No. मतलब ये पहला generation है. वो started speaking English. ये समझने की जरूरत है, जब वक्त बदलता है, हवा बदलता है, पहले कोरोना नहीं था, कोरोना आ गया, वैक्सीन भी आ गया, तो जॉब में जब जरूरत है तो अंग्रेजी की वैक्सीन की जरूरत है, और वो वैक्सीन लगाने के लिए हेलो स्मार्ट। अब कितने साल की हो? 17 इयर्स ऑफ कोर्स, है ना? ऑलराइट। अंग्रेजी सीखना क्यों जरूरी है? स्पीक इन इंग्लिश मींस नॉलेज, it become a passion also, it's very important for the a student, because in every job English is necessary, so that's why we have to learn English. Well, it's all about globalization, aur globalization ke daur mein bina angrezi ke aap kuch zyada kar nahi sakte, seekh nahi sakte. Sir, aadhi abadi bhi aapke saath hai. Well, I'm here with very small girl. What's your name? I'm Khushi. Khushi? Yeah. You are a student of Cambridge. Yeah. Yes. Yeah. Who suggested you? Why did you select this institution? My brother. Because it's a very good institute for spoken English. It's a very, very famous of this Ghati Institute for spoken English. We have lots of languages in India. Huh? अब छोटे छोटे लैंग्वेज भी हैं, जिसको मगधी बोल दो, भोजपुरी बोल दो, एंड वी आर क्वाइट फैमिलियर विद हिंदी। व्हाट्स द नीड ऑफ इंग्लिश हियर? वी वांट टू स्पीक इंग्लिश, सो वी कांट डू एनी जॉब, बिकॉज वी डोंट, यू नो, नाउडेज वी डोंट इंटरव्यू, वी वांट टू गेट एनी जॉब एंड इंटरव्यू वी विल डू इन इंग्लिश, सो फॉर इफ वी हैव टू गेट एनी जॉब वी हैव टू लर्न इंग्लिश। ये सच है कि बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े मकान को जब आप देखते हैं, आलीशान मकान को देखते हैं और वो सड़क को देखते हैं, तो वहाँ रहने वाले चलने वाले लोग भी बड़ा बेझिझक फराटेदार अंग्रेजी बोल देते हैं, और हम जब इस परिवार से उधर जाते हैं तो डर का असली वजह यही होता है कि जब कोई अंग्रेजी में दो चार लाइन बोल देता है ना, दिल मानो बैठ सा जाता है, समझ में नहीं आता कि जवाब क्या दे, बात वो इंटरव्यू की हो, एडमिशन की हो, जॉब की हो, या कोई व्यापार करने की हो। उस भीड़ में
अपने बच्चों को पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं विकास जी, और नए साल का आगमन होने वाला है और 2023 को हम लोग बबाई करने वाले हैं, तो नए साल पे आप खास करके युवाओं को छात्रों को क्या कहना चाहिए? Wishing all the guys on behalf of this channel Happy New Year in advance. Really, today is 31st of December and Cambridge is going to celebrate that. Cambridge is celebrating with all the students. Because also in that instance, सबने सबने कहा है कि भाई अंत वाला तो सफल, और मुझे लगता है कि ये साल overall सबके लिए ठीक ठाक रहा, बहुत अच्छा नहीं तो बहुत बुरा भी नहीं चाहिए. And we hope that the coming years must be beautiful for everyone, will be flourishing. And thanks a lot this channel, really that is Aankho Dekhi, which is one of the renowned channel. And तो बात वही है कि हर साल नहीं हर पल नया होगा, और हर पल में आपके लिए कुछ अच्छा नया होगा, और आपके अच्छे की कामना के साथ आपको देखिए न्यू चैनल की पूरी टीम आपको भी आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच.